इतना प्यारा रोमांटिक सीन देखा है कि मैं बता नहीं सकती। इतना मीठा, ठंडा, क्यूट, प्यारा। It was not hot, it was cool. It was beautiful, जिस तरह से वो अब फाइनली उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहा है एज अ वाइफ, क्योंकि वो पहले ही नहीं जान छोड़ी, वो दिमाग पे है हर वक्त सवार। बट फाइनली वो जो उसके पास आता है उसकी सालगिरह वाले दिन, एंड द वे ही होल्ड्स हर, आपको ज़रा बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़रा कहीं से अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा। एंड यू विल बी लाइक, एंड इट वाज आई थिंक अ सिंगल शॉट, खूबसूरत के मत जा। एंड देन द वे शी क्लोजेस हर आईज, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। शूट सिंपल है, आउटडोर कम है, स्कूल का ही मेरे ख्याल ज़्यादा आउटडोर हुआ था। खुदा के वास्ते उस ऑफिस में शूट करना बंद कर दें, सारी दुनिया का एक ऑफिस नहीं हो सकता। हर अमीर हीरो हमारा, हर बिजनेसमैन, वो एक ही जो है ना तकोने खिड़की वाले ऑफिस में रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसी में सीन हो रहे हैं, उसी में मिल भी उसमें, मैं ये भी इसमें, बाकी ओएसटी भी अभी भी बुरा लग रहा है। वो ना पहले अच्छा लगा था ना, वो अभी मुझे अच्छा लगा है। ओएसटी नहीं मज़ा आ रहा। अच्छा, मुझे बुरा नहीं लगा भाई, मुझे नहीं पसंद। बाकी रह क्या गया, बाकी वही प्रेगनेंसी थोड़ा लगा, सेम एपिसोड में इतनी जल्दी, सेम एपिसोड था, आगे पीछे ही था, तो शादी की रात वो मुझे एक्चुअली, मैं भी पुट ऑफ हुई उस बात से। हाँ, उल्टी आ गई एकदम। अभी तो भाई, अभी तो सीन हुआ था, बेहतरी हुई यार, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसकी तरफ माइल हुआ है। थोड़ा तो तुम टाइम ले लो, एंजॉय कर लो जिंदगी, घूमो फिरो इसके साथ। ना जी, उल्टी आ गई, काका काकी ऑन द वे। तो ये तो मुझे भी कोई अच्छी बात नहीं लगी। टाइमिंग बड़ी ज़रूरी होती है, आप बंदा प्लानिंग, क्या कहा था मुस्तफ़ा ने, प्लान करना चाहिए बेबी। ऐसे कैसे हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे अमीर घरों में भी बच्चे ऐसे आ रहे हैं बगैर प्लानिंग के? मतलब अदनान, और अदनान को अगर ये बात पसंद नहीं थी तो अदनान कैसे हो गया? फिर भी ना, अगर आप हीरो इतना डरता है इस चीज़ के लिए, और अब तो कुछ तो उस बात का ख्याल रखिएगा ना। हाँ जी, तो जर भत्तों के बंद में आपने पॉपुलेशन के बारे में बहुत अच्छे मैसेजेस सुने हैं ना दिया। अच्छा ड्रामा है ये, इसके इतने व्यूज़ नहीं आ रहे फॉर सम रीज़न, लेकिन ड्रामा अच्छा है, अच्छा लिखा हुआ है, परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड। अदनान सिद्दीकी फैंस जो हैं वो बड़े खुश होंगे उसको देख के, क्योंकि बहुत कंट्रोल्ड, बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस है, जो मुझे जेंटलमैन से भी बहुत अच्छी लग रही है। देखने वाली है कि ये कैसे कर रहा है, ये किस टोन में बात कर रहा है, और कैरेक्टर के हिसाब से वेरी वेरी नाइस। जिस चीज़ ने मेरा दिल जीता है ना इस एपिसोड्स में, लास्ट टू में बड़े बड़े सीन देखे रोमांस के, बड़ी तकलीफ भी हुई। वो वाला सीन भी याद है आपको, जानिसार वाला, और भी कुछ देखे जिसमें हुआ कि यार बस कर दो, बंद ही कर दो, जिसमें रोमांस एक्चुअली आपको ना रोंटे खड़े हो रहे हैं आपके, खुशी से नहीं, खौफ से या क्रिंज से। ये मैंने बड़े अरसे बाद इतना प्यारा रोमांटिक सीन देखा है कि मैं बता नहीं सकती। इतना मीठा, ठंडा, क्यूट, प्यारा। इट वाज नॉट हॉट, इट वाज कूल, इट वाज ब्यूटीफुल। जिस तरह से वो अब फाइनली उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहा है एज अ वाइफ, क्योंकि वो पहले ही नहीं जान छोड़ी, वो दिमाग पे है हर वक्त सवार। बट फाइनली वो जो उसके पास आता है उसकी सालगिरह वाले दिन, एंड द वे ही होल्ड्स हर, आपको ज़रा बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़रा कहीं से अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा। एंड यू विल बी लाइक, एंड इट वाज आई थिंक अ सिंगल शॉट, खूबसूरत के मत जाओ। एंड देन द वे शी क्लोजेस हर आईज, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें सौतेली माँ विच नहीं है। अगर देखा जाए सौतेली माँ एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी माँ नहीं है, उसके लिए तो सेवियर है भाई। उस घर में क्या कुछ हो सकता था, ये आइए चीज़ें ठीक कर रही हैं। मुझे शुरू से लगता था जो सौतेली माँ, ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, ईवल स्टेप मदर। हमारे कल्चर में ऐसे नहीं था ये, हमने क्योंकि कहानियां बचपन में सुनी है तो हमारे ज़हन में आ गया, वरना स्टेप मदर। और जितनी जल्दी उसने इस चीज को वो किया ना, रियलाइज किया मेरी बेटी के साथ ये हो सकता है, ये साथ में पोटेंशियल है, जबकि उसने कोई ऐसी कोई चीज देखी नहीं है, वो सिर्फ उसकी सिक्स सेंस उसे कह रही है। अंग्रेजी कहानियों से हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट बना है, हालांकि हमारे कल्चर में होना चाहिए, क्योंकि दो दो माएँ भी हैं और स्टेप मदर्स भी हैं, तो हमारे कल्चर में तो शुरू से प्यार डालना चाहिए बच्चों के दिलों में कि नहीं भाई, सौतेली माँ बुरी नहीं होती, आपने भी इज्जत करनी है, वो भी आपको प्यार देगी, और अच्छी भी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी इस तरह से स्टोरी है कि उसका भी घर नहीं था, उसने इसको घर बना लिया, और कैसे वो बच्ची का ख्याल कर रही है। तो आई लाइक दिस ड्रामा, जो 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 बात है। हमारी ना डाइजेस्ट राइटर्स अब बहुत कम लिख रही हैं, तो सैडली कुछ राइटर्स आए हैं जो बहुत कमर्शियल हैं। ख़वातीन के इशू पे ज़रूरी नहीं कि हर खातून अच्छा लिखे, रिदा इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, जाने जहाँ भी मुझे अच्छा लगा। और इस ड्रामे को देख के तो मैं आई रिस्पेक्ट हर मोर नाउ, कि इतना अच्छा लिख रही है, और बहुत आसान है उसकी राइटिंग। मतलब सुन, मेरे दिल तकलीफ दे होता है देखना कि यार अगर मैं जज ना करी होती, मैं देखती ना,
ये इतने आराम से निकल जाते हैं ना एपिसोड्स, कि ये नहीं कि बीच में आप कोई काम करेंगे ये करेंगे, आप देखेंगे एक घरेलू रिश्ते औरतों की कहानी इतनी रिस्पेक्ट और तमीज़ के साथ रिदा बता रही है ना, हमें ऐसे राइटर्स चाहिए, हमें और ऐसे राइटर्स चाहिए। और रिदा बहुत सही जा रही है और आने वाले वक्तों में मुझे लगता है शी इज़ गोइंग टू बी वे अप हियर, क्योंकि इसको आता है बंदी को ड्रामा लिखना। और वही बात है कि इमोशंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स और औरतों के लिए जो वो लिख रही हैं, जो बात कहना चाह रही हैं, बहुत रेलिवेंट हैं। ये पता नहीं ड्रामों में हमें यही दिखाना है, यही देखना चाहिए। तो शी शुड कीप राइटिंग, शी इज़ अमेजिंग। 9 Did she write Jaane Jahan also, or did she write Rudd? Jaane Jahan. She did Jaane Jahan also. I had forgotten. I thought she just did Rudd. I don't remember Jaane Jahan. अच्छा, इससे पहले लिख रही थी कॉमेडी, मैं कुछ स्किट्स बना रही थी, लिखे उन्होंने, एंड देन शी टोल्ड मी मैंने सीरियल लिखना है। मैं तुम तो कॉमेडी लिखती हो, तुम सीरियल कैसे करोगी? आई मेट हर ऑल्सो एंड उस वक्त मुझे भी था ये सीरियल कैसे करेंगे, और अब मैं इसको देख रही हूँ रिदा को, इतना कमाल। सॉरी, रिदा बिलाल डिडंट डू रद, नहीं जाने जा, सॉरी दानिया, दानिया का सब सीन हुआ बाथरूम में बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे समझ कोई नहीं आया, मुझे अल्फाज नहीं समझ आ रहे थे, वर्ड समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, ऑडियो तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, मुझे टीवी सेट्स में मुझे इसमें पता नहीं क्यों ऑडियो समझ नहीं है उसके, या द वे शी वाज सेइंग, तो वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे थे मुझे। okay. रोते हुए जब वो बोल रही थी तो थोड़ा रोते हुए और डायलॉग्स डिलीवरी में क्लैरिटी आनी चाहिए। ऑडियो का शायद मसला नहीं, इट्स जस्ट कि समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, क्योंकि बहुत लाउडली रो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा रोएंगी ना तो वर्ड्स भी सही तरह नहीं निकलते, तो वहाँ थोड़ा सा रुक के बात करती हैं कि ताकि समझ आए। ऑडियो का ही मसला है, ऑडियो का है। हाँ, बिकॉज द ऑडियो गाय देन शुड हैव टर्न्ड द लेवल डाउन एट दैट पॉइंट। नहीं, वो ब्लास्ट भी होता है ना कभी कभी, दैट्स नॉट द कैरेक्टर, या उसने ऊंचा ज्यादा किया है, कुछ गड़बड़ हुई है कि मुझे वो वर्ड्स नहीं समझ आए। नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, ऑडियो इज वेरी टेक्निकल, इट्स वेरी टेक्निकल। यहाँ मुझे वो उसी वक्त हो सकता, डायरेक्टर का हुआ कि थोड़ा ऑडियो पे फोकस करना चाहिए था, या दोबारा रिकॉर्ड करते, या ऑडियो वाला उनको बताता, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसकी वजह से एक बड़ा पावरफुल सीन के अल्फाज क्लियर नहीं मुझे आए। प्लीज, ये शहीरा की जो विग है ये ठीक, ये ना होती तो कितना अच्छा होता। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मैंने कहा अब शायद थोड़ी सी सेटल होगी और थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन ये विग विग है, और जो फुल हेड विग है ना, ये ड्रामों के लिए नहीं है, कैरेक्टर्स के लिए हो सकती है क्योंकि के फनी लगे या चलो, लेकिन लगाना इसको बहुत मुश्किल काम है। मैंने बड़ी कोशिश की है, ड्रामे के लिए एक्सटेंशंस ठीक है, विग ना लगाया करें, और कोई लगा भी नहीं रहा यहाँ लगा के ना आपने शहीरा की लुक को खराब किया। So she is beautiful है, why didn't they just, और वो सही लगी ही नहीं है, क्योंकि फुल हेड विग लगाना ही दुनिया का मुश्किल काम है, और या अगर लगाए पे तो चलो पीछे लगाए पता नहीं किस तरह, लेकिन जिस तरह लगी है ना बड़ी बुरी लगी है। बाकी ड्रेसिंग उसकी जो अब ट्रांजिशन आया है, जो पहन रही है कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो और शूट सिंपल है, आउटडोर कम है, स्कूल का ही मेरे ख्याल ज़्यादा आउटडोर हुआ था, खुदा के वास्ते उस ऑफिस में शूट करना बंद कर दें, सारी दुनिया का एक ऑफिस नहीं हो सकता, हर अमीर हीरो हमारा, हर बिजनेसमैन वो एक ही जो है ना तकोने खिड़की वाले ऑफिस में रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसी में सीन हो रहे हैं, उसी में मिल भी उसमें, मैं ये भी इसमें, मतलब कि प्लीज़, या तो फिर कुर्सी आप साइड पे कर लें, टेबल कुर्सी, मुझे तो लग रहा है मैं काम शुरू कर दूँ, ऑफिस बना दूँ और एक कैफे बना दूँ और लोगों को आया के शूट करें और हम उसको चेंज करते रहें। मैं नईमा भट्ट के ऑफिस में शूट कर रही हूँ, बहुत अच्छा था, नहीं सुन मेरे दिल में ऑफिस कितने अच्छे हैं, लेकिन ये जो ऑफिस है ना इससे मैं फेड अप हो गई हूँ, पता नहीं कि क्या फ्री में बाय वन डे एंड गेट वन डे फ्री मिल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। बाकी ओएसटी भी अभी भी बुरा लग रहा है, वो ना पहले अच्छा लगा था ना वो अभी मुझे अच्छा लगा है, ओएसटी नहीं मज़ा आ रहा। अच्छा, मुझे बुरा नहीं लगा, भाई मुझे नहीं पसंद। बाकी रह क्या गया? बाकी वही प्रेगनेंसी थोड़ा लगा, सेम एपिसोड में इतनी जल्दी, सेम एपिसोड था, आगे पीछे ही था, तो शादी की रात वो मुझे एक्चुअली मैं भी पुट ऑफ हुई उस बात से, उल्टी आ गई एकदम। अभी तो भाई अब भी तो सीन हुआ था, बेहतरी हुई यार, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसकी तरफ माइल हुआ है, थोड़ा तो तुम टाइम ले लो, एंजॉय कर लो जिंदगी, घूमो फिरो इसके साथ ना जी, उल्टी आ गई काका काकी ऑन द वे। तो ये तो मुझे भी कोई अच्छी बात नहीं लगी, टाइमिंग बड़ी ज़रूरी होती है, आप बंदा प्लानिंग, क्या कहा था मुस्तफ़ा ने, प्लान करना चाहिए बेबी, ऐसे कैसे हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे अमीर घरों में भी बच्चे ऐसे आ रहे हैं बगैर प्लानिंग के, मतलब अदनान, और अदनान को अगर ये बात पसंद नहीं थी तो अदनान कैसे हो गया। फिर भी ना अगर आप हीरो इतना डरता है इस चीज़ के लिए, और तो कुछ तो उस बात का ख्याल रखिएगा ना, हाँ जी तो जरूर पत्तों के बंद में आपने पॉपुलेशन के बारे में बहुत अच्छे मैसेजेस सुने हैं, तो ख्याल रखें कि अच्छा आगे चलते हैं बस, ठीक है जी। डायरेक्शन हमारी बहुत ज़बरदस्त, 7 है। 7 ना दिया,
नहीं, शी इज़ वेरी गुड, जस्ट द बिगेस्ट डिस्टर्बिंग थोड़ा, वो पता नहीं किसकी चॉइस थी लुक डिफरेंट देने के लिए, वरना तो उसके वैसे बाल भी पसंद है उनको भी, और एक्सटेंशंस होती तो बहुत अच्छा लगता। डायरेक्शन में आप नंबर काट दिए तो परफॉर्मेंस वाइज, मैं शीरा का ही कह रही हूँ कि अपनी लुक का जानी बहुत ख्याल रखो कि तुम कैसी लग रही हो, थोड़ी वीडियोस बना के पहले देख के, सो दैट यू नो यू लुक नाइस एवरी टाइम यू कैन। तो बाकी कपड़े बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे स्माइल करते हुए पहले ड्रामे में तो कभी नज़र ही नहीं आई, इस ड्रामे में माशाल्लाह मुस्कुरा रही है, खेल रही है बच्ची के साथ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है व्हेन शी स्माइल, व्हेन शी इज़ इन अ गुड मूड, जिस तरह उसका ख्याल रख रही है, और एक मैच्योरिटी फिर भी है, यंग बच्ची आई है घर में, माँ है लेकिन सबकी माँ है, जितनी उसमें मैच्योरिटी दिखाई है, जो हालात में उसको बना दिया है, तो शी इज़ राइट फॉर दिस रोल, और एक्टिंग कमाल की है। 8 नहीं, ये बाकी अपने जो इनके साथ के एक्टर्स हैं उनकी तरह ना ये मेकअप कर रहा है, ना ये कि मैं यंग लगूं और मेरे साथ यंग गर्ल हो, यंग गर्ल की तो यहाँ स्क्रिप्ट की डिमांड थी, और मैं ये चाहूँगी अब ये कि सब ये जो हैं एक्टर्स ये थोड़ा मैच्योर लड़कियों के साथ आएँ, इनका जो है ना अब इतनी यंग बच्चियों के साथ पेयर बनता नहीं है, एक्सेप्शन अदनान क्योंकि इसमें स्टोरी की डिमांड थी, बट अदरवाइज़ ये अब सबको ख्याल करना चाहिए कि हम थोड़ा आप अपनी हीरोइन की ना एज बार बढ़ा दें, इतनी छोटी बच्चियाँ भी जो है ना नहीं अच्छी लगती क्या, और जब रिक्वायरमेंट ही नहीं आ तो स्क्रिप्ट ही ऐसा हो, अदरवाइज नो। तो मुझे येस आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि अपने नेचुरल उसमें आ रहा है, इज़ नॉट ट्राइंग टू बी अ कॉलेज का बेबी बॉय, तो फॉर दिस मैच्योर एक्टिंग, और अच्छा लगता है मुझे तो ये, और हैंडसम लग रहा है अदनान इन दिस लुक, इज़ 9